गाइस आप सभी का एक क्वेश्चन तो हमारे पास हमेशा आया है कि एक वेंडिंग मशीन से मंथली इनकम कितनी होती है। आंसर इसका इतना सिंपल तो नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। चलिए शुरू करते हैं। चीजों को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले की बात करते हैं, जहां पे आप एक सिंपल बिजनेस कर रहे हो वहां पे दो टाइप की आपकी इनकम हो सकती है, एक रेंटल इनकम और आपकी एक प्रोडक्ट की मार्जिन से। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपके पास 10 वेंडिंग मशीन है, तो सबसे पहले रेंटल इनकम। अगर आप कहीं पे भी वेंडिंग मशीन लगाते हो तो ओनर भी आपको कुछ पैसे देते हैं इस फैसिलिटी के लिए। आप किसी ऑफिस में वेंडिंग मशीन प्रोवाइड कर रहे हो या किसी दूसरी जगह हॉस्पिटल या किसी और मेट्रो में, तो वहाँ से आपको एक रेंटल इनकम मिलता है। वो वेरी करता है 4-6 हज़ार के बीच, तो ऑन एवरेज मान लेते हैं 5 हज़ार, तो आपको महीने का 50 हज़ार तो यहीं से आ जाता है। रेंटल के अलावा दूसरी जो मेजर इनकम होती है वो तो आपके प्रोडक्ट सेल करने से आती है, जिसका भी ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो दिन का 1500 रुपये का सेल होता है। किसी मशीन में 1000, किसी में 2-2500, तो ऑन एवरेज ये 1500 फिगर आता है। तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करें मंथली तो ये 45,000 होता है एक मशीन का। और मार्जिन प्रोडक्ट में आप देखें ऑन एवरेज 15-25% ऐसे रहते हैं, तो इजी कैलकुलेशन के लिए 20% लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपका एक मशीन का 9,000 मंथली इनकम आ सकता है इन प्रोडक्ट सेल करने से। तो 10 मशीन का वो हो जाता है 45,000 × 10, और इसका अब अगर मार्जिन निकालोगे 20%, ये अप्रॉक्स आपके आएगा 90,000 10 मशीन का पर मंथ। तो अगर आप अपनी रेंटल एंड मार्जिन का ये जोड़े तो आपकी अराउंड 1,40,000 के अराउंड एक फिगर आएगा, मतलब महीने का आप 14,000 रुपये एक वेंडिंग मशीन से कमा रहे हो। एक्सपेंसेस में नहीं जाऊंगा मैं, क्या क्या एक्सपेंसेस होती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। हमने ऑलरेडी एक ऐसी वीडियो बना रखी है तो आप वो चेक कर सकते हो क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना नेट मार्जिन निकाल सकते हो। ये तो हमने बात की कि आप नॉर्मली कितना कमा सकते हो, बट इसमें भी अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल वेंडिंग मशीन से हटके स्मार्ट लोग कर रहे हैं, जिससे आप और ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला आता है एडवर्टाइजमेंट। पुरानी वेंडिंग मशीन क्या होती थी, कीपैड, वहाँ पे आपने कैश डाला और प्रोडक्ट आ गया, कुछ वैसा होता नहीं था। बट अभी की वेंडिंग मशीन में आपको बड़े बड़े डिस्प्ले देखने को मिलेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनको सिलेक्ट करते हो एंड प्रोडक्ट डिस्पेंस होता है। बट क्या 24 घंटे लोग मशीन को यूज़ करते हैं? नहीं, कुछ टाइम ऐसा भी रहता है जहाँ पे मशीन यूज़ नहीं हो रही होती, उस टाइम को आप ऑप्टिमाइज़ करके वहाँ पे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को रीच कर सकते हो, उनके मार्जिन्स ले सकते हो, कैसे क्या रेट्स होते हैं एंड उस हिसाब से आप एडवर्टाइजमेंट भी चला सकते हो। अगर हम ऑन एवरेज माने कि मशीन में 2 घंटे की एडवर्टाइजमेंट चलती है और मान लेते हैं बहुत कम से कम 500 रुपये आपका दिन का आता है, ये डिपेंड करता है आपकी मशीन जहाँ पे है वहाँ पे एवरेज फुटफॉल कितना है एंड वहाँ पे स्क्रीन टाइम कितना है। मींस जब आपका वेंडिंग मशीन यूज़ नहीं हो रहा है कितना टाइम आइडियल रहता है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलाया जा सकता है। मान लेते हैं दिन में 2 घंटे फॉर एग्जांपल कि आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हो एंड कम से कम हम मान लेते हैं आपको दिन में 1,000 रुपये मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट चलाने के आपकी 10 मशीन में, तो ये हो जाता है महीने का 30,000। 1,40,000 तो आपकी पहले की थी, अब 30,000 एडिशनल हो गया, तो आपका 1,70,000 तो यहीं पे हो गया। दूसरा है फ्रेंचाइजी। आप सिर्फ खुद ही ऑपरेट मत कीजिए अपनी सारी मशीन्स को, अगर आपको एक्चुअली में बिजनेस बनाना है तो आपको आगे चीज़ें ऐसी आउटसोर्स करनी पड़ेगी, लोगों को फ्रेंचाइजी देना पड़ेगा, रेंटल देना पड़ेगा। तो जब आप आगे फ्रेंचाइजी देते हो आपकी हेडेक कम हो जाती है, आपको शायद सिर्फ रिफिलिंग या छोटे मोटे और काम करने पड़े, बट एक फ्रेंचाइजी के थ्रू आपके अलग से महीने के 8,000 से 10,000 पर मशीन आ सकते हैं एंड 10,000 को अगर हम 10 मशीन से मल्टीप्लाई करें तो ये 1,00,000 की और एडिशनल इनकम होगी। अब आपका ये आ गया 2,70,000। तो आप समझ ही रहे होंगे अगर आप ये ट्रेडिशनल वे से सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके और रेंटल से हटे अपनी स्मार्ट वेंडिंग मशीन को प्रॉपरली यूज़ करें तो इन अलग अलग तरीकों से आप काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे करें, एक ट्रेडिशनल वेंडिंग मशीन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियस ही बात है।
बट वेंडिफाई के साथ ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हो वेंडिफाई के साथ अपने बिजनेस को स्मार्ट बनाना एंड और भी तेज़ी से बढ़ाना, तो जल्दी जाइए, चेक कीजिए हमारी वेबसाइट www.vendify.in और कॉन्टैक्ट कीजिए हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से। थैंक यू।